दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में अपने घरों में कई तरह की चीजों का उपयोग करते हैं, उनमें से एक है यह वाटर ड्रम, जिसका उपयोग लगभग सभी घरों में किया जाता है। और जैसे जैसे यह पुराने होते जाते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, जैसे कि लीक हो जाना, कट फट जाना या घिस जाना। और यह प्रॉब्लम खासकर ड्रम के नीचे वाले भाग में आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आपके वाटर ड्रम कहीं से छोटा मोटा कट फट जाए तो या लीक हो जाए तो आप उसका सही तरीके से रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, और हर तरह की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वाटर ड्रम है उसके नीचे वाले भाग में लगभग 2 से 4 mm तक का इसमें होल हो चुका है। तो दोस्तों ये अधिक लोड हो जाने के कारण, ये जो पुराना है दोस्तों उसके कारण से जो वाटर का लोड होता है उसके नाम से जो नीचे फट गया है, और फट जाने के कारण दोस्तों ये फैल चुका है, जिसके कारण से यह एक होल जैसा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो ड्रम है उसके नीचे वाले भाग में यहाँ पर लगभग 2 से 4 mm का होल हो चुका है। तो दोस्तों इसका रिपेयर करने के लिए हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसका रिपेयर करने के लिए आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताएंगे, जिसके तरीके से आप इस ड्रम का रिपेयर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसे फेविक्विक की सहायता से चिपकाते हैं तो इसमें जो वाटर का ऊपर से नीचे जो लोड होगा उसके नाम से यह फिर से निकल जाएगा। तो दोस्तों हम आपको तरीका बता दें। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस तरह का जो पेन आता है उसका जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस प्रकार का पेन है उसका यूज करेंगे इसे रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों हम इस वाले पेन को हम यहाँ से लगभग 1/2 inch की लंबाई पर लगभग इसे काट लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसे टुकड़े कर लिया है जो पेन था उसका। तो दोस्तों हम इसे डायरेक्ट नहीं लगाएंगे उस होल में, अगर हम उसे लगाएंगे तो यह फिर से निकल जाएगा। उसके लिए दोस्तों हम इस प्रकार का रबर का जरूरत पड़ेगा, जो कि दोस्तों हमने इसे पेन से ही निकाला था। जो पेन में दोस्तों आगे के भाग में लगा होता है जहाँ से हम पकड़ कर लिखते हैं, उस वाले भाग में ये रबर है वह लगा होता है। दोस्तों इस रबर को इस प्रकार से जो पेन का टुकड़ा है उसमें काट कर लगा लेना है। अब दोस्तों इसमें जो होल है इस पेन के अंदर, तो उसको पैक करने के लिए इस प्रकार का हम छोटा स्क्रू लेंगे, जिससे उसका जो होल है दोस्तों वहाँ पर हम इसे लगा कर टाइट कर देंगे। तो दोस्तों इसका जो होल है वह बंद हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर रबर इसलिए लगाया है ताकि जब रबर के साथ हम इस होल में इसे लगाएंगे दोस्तों तो यह एडजस्ट करेगा, ये इसका जो वाटर का लोड होगा उसे यह एडजस्ट कर लेगा। अगर हम सीधे पेन को लगाएंगे दोस्तों तो यह लोड के कारण फिर से निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास इस प्रकार का रबर ना हो तो आप इस प्रकार का जो लेबल पाइप होता है उसका यूज इसमें लगाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, ये जो होल है जहाँ पर उसको हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से थोड़ा होल को बड़ा करेंगे, जितना हमें यहाँ पर पेन का जो टुकड़ा है उसे लगाएंगे उसके हिसाब से। दोस्तों आपको सोल्डिंग करते समय आपको ध्यान देना इसका जो होल है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो दोस्तों सोल्डिंग करने के तुरंत बाद आपको इस तरह से जो पेन का बाकी टुकड़ा है उसको घुसाकर यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर घुसा दिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो सोल्डिंग किए हैं तो इसका जो प्लास्टिक है वह नरम था गर्म के साथ साथ, तो हम यहाँ पर जो पेन का टुकड़ा उसके हिसाब से यहाँ पर सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमने पेन के टुकड़े से जो इसमें लगाने के लिए बनाया है उसको हम फेविक से, इसे एयर लीक ना हो इस प्रकार से हम यहाँ पर चिपका देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस प्रकार चिपका देंगे और इसे सूखने के बाद जहाँ पर हमने ड्रम में होल किया है वहाँ पर हम इसे फिक्स करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो ये पेन का टुकड़ा है वह सूख चुका है। अब इसके बाद क्या है? हम इसको हम जो ड्रम के होल है वहाँ पर हम इसे लगाएंगे। दोस्तों इसे लगाते समय हम थोड़े इधर उधर घुमाते घुमाते एग्जैक्ट करते हुए इधर लगाएंगे तो यह आसानी से लग जाएगा। तो दोस्तों लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर की तरफ से इसे एडजस्ट कर देना है खींचकर। तो हम इसे सीधा कर लेते हैं दोस्तों, और इसका जो अंदर की तरफ जो निकला हुआ हिस्सा उसे हाथों की सहायता से थोड़ा घुमाकर एडजस्ट कर लेंगे तो यह अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमने पेन का टुकड़ा के साथ जो रबर लगाए हैं वह इसका जो वाटर लोड होगा दोस्तों उसको अच्छे से एडजस्ट करेगा। इसका जो पकड़ है दोस्तों वह नहीं निकलेगा आसानी से, इसमें कोई भी वाटर लीक होने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें फेविक्विक की सहायता से ऊपर में चिपका देना है। तो दोस्तों हम अगर इसे फेविक्विक में चिपका देते हैं तो ये रबर है वह इसके साथ एकदम जुड़ जाएगा, इसमें वाटर लीक होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसे अच्छे से फेविक्विक लगा दिया है, और सूखने के बाद दोस्तों हम इसमें वाटर डालेंगे और इसका यूज करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने वाटर ड्रम अगर कहीं से लीक हो जाए, कट फट जाए, तो इस तरह की से आप उसका रिपेयर करेंगे तो वह बहुत दिन तक चलेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसमें वाटर डाल के आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस वाटर ड्रम में वाटर डाल दिए हैं, तो इसका जो लोड होता है दोस्तों वह हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो अगर नीचे कमजोर आता है दोस्तों जिस कारण से ये जो वाटर ड्रम होता है वह कहीं से कट फट जाता है। तो दोस्तों अगर आपका वाटर ड्रम इस प्रकार से कहीं से कट फट जाए तो इसका रिपेयर इस तरीके से करेंगे तो वह बहुत दिन तक चलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।